चाहे वो आज हम जवान की बात कर रहे हैं, पठान की बात कर रहे हैं, शाहरुख खान भी कभी टीवी सीरियल में काम करता था और उस वक्त उसे एक अच्छी फिल्म की चाह थी, आज वो बहुत बड़ा स्टार है। सलमान खान भी कभी पीछे काम करता था। तो सबको एक मौके की ज़रूरत होती है और मैं भगवान से सही में तहे दिल से ये दुआ करूँगा कि ये बसेरा आपके लिए वो मौका लाए ताहिर भाई और आप बहुत बड़े बने। आई विश, मैं कमल भाई को चाहता हूँ कि ये एल्बम बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा सुपर हिट हो और मैं तहे दिल से, सबसे मेन मेरा भाई इधर है कल्याण जी जो हमें हर चीज़ में जोड़ने की कोशिश करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट हिम और मैं चाहता हूँ ये गाना बहुत अच्छा सफल हो। सबसे पहले तो पूरी बसेरा की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, इनके जो एक्टर हैं और जो कल्याण जी हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं और हमसे बहुत जुड़े हुए हैं और हमारे हर कार्य में वो कुछ ना कुछ इन्हों सोशल कॉज से हमारे से जुड़े रहते हैं। तो आज उनका इतना बड़ा लॉन्च था तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम उस चीज़ को हिस्सा बने और उसकी कामयाबी में हमारा योगदान रहे। तो बसेरा की पूरी टीम को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये खाना बहुत अच्छा चले और एक सुपर हिट गाना। जब ताहिर कमाल खान ने मुझे इनवाइट किया था इस म्यूज़िक एल्बम के लॉन्च के लिए तो मैं इस नाम से बहुत एक्साइट हो गया क्योंकि इस एल्बम का नाम है बसेरा और मैं यहीं रहता हूं ओशीवरा जिसमें मेरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग का नाम है बसेरा। मैं पिछले 25-30 सालों से यहीं रहता हूं तो मेरे लिए तो ये मेरा घर हो गया। तो मैंने कहा मैं मेरे घर से निकल के मेरे घर के पास आ रहा हूं और मैं ताहिर कमाल खान को बहुत सालों से जानता हूं, बहुत मेहनत कर रहा है, हम सब मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर सब बैठे, चाहे वो समीर जी हैं, चाहे रमेश गोयल जी हैं, नत्था साहब थे, आदिल है, हाजी भाई है, सब मेहनत करते हैं। किसी को मौका मिल जाता है, किसी को मौका नहीं मिलता, बस मौके का फ़र्क होता है और कुछ नहीं। और मैं भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, वाहेगुरु से ये दुआ करता हूँ कि ताहिर के लिए ये मौका हो। क्या बात है ना, तो एक मौका चाहिए होता है हर कलाकार को, हर कलाकार अच्छा होता है सब, चाहे वो आज हम जवान की बात कर रहे हैं, पठान की बात कर रहे हैं। शाहरुख खान भी कभी टीवी सीरियल में काम करता था और उस वक्त उसे एक अच्छी फिल्म की चाह थी, आज वो बहुत बड़ा स्टार है। सलमान खान भी कभी पीछे काम करता था। तो सबको एक मौके की ज़रूरत होती है और मैं भगवान से सही में तहे दिल से ये दुआ करूँगा कि ये बसेरा आपके लिए वो मौका लाए ताहिर भाई और आप बहुत बड़े बने। और बड़े बने या ना बने लेकिन कोशिश ज़रूर करते रहिए क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती है, है ना। तो मैं मीर साहब हैं जितने भी इसमें इस, क्योंकि ये जो कोई भी चीज़, हाजी भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ फिल्म लाइन के बारे में कि कोई भी चीज़ हर आदमी हिट ही बनाना चाहता है, कोई इस बात इससे ऐसे शुरुआत नहीं करता है कि आओ मिलकर एक फ्लॉप चीज़ बनाते हैं, ऐसा कोई शुरुआत नहीं करता। तो हर चीज़ हिट बनाना चाहता है और हर चीज़ बनने में बहुत मेहनत लगती है, चाहे बुरी चीज़ भी बने लेकिन बुरी चीज़ बनने में भी मेहनत उतनी ही लगती है, बहुत मेहनत लगती है कोई भी चीज़ बनाने में। तो हम बस खाली ये मेहनत का हम ये देखना चाहते हैं कि वो मेहनत सही दिशा में की जा रही है या नहीं। और जब ये देखूंगा मैं, अभी तक तो मैंने ये गाना देखा नहीं है, टीज़र देखा नहीं है, जब देखूंगा तो मैं डेफिनेटली ताहिर को फ़ोन करके बताऊंगा कि तेरी मेहनत सही दिशा में है, है ना। हर कलाकार का जब कोई भी फिल्म या म्यूज़िक किसी भी माध्यम से उसका कुछ रिलीज़ होता है तो उसके लिए ईद और दिवाली होती है। हम लोग खूब संघर्ष करके जब किसी चीज़ को दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं तो बहुत घबराहट रहती है कि पता नहीं इसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन ज़िंदगी में मैंने क्रिकेट बहुत खेला है इसलिए मैं सिंगल रन को अपनी जिंदगी जीवन में बहुत मायने देता हूं क्योंकि सिंगल रन बना बना के ही सेंचुरी बनती है। तो हम लोग ने कोशिश की है, जे एक्स म्यूज़िक कंपनी जो जावेद मीर साहब ने शुरू की है, माशाल्लाह मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जावेद मीर साहब का जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया और एक नहीं तीन तीन गाने बनाए और तीन गानों के साथ एक म्यूज़िक चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है जे एक्स स्टूडियो म्यूज़िक कंपनी शुरू की। इसी गाने से आज माशाल्लाह एक कंपनी का निर्माण होगा। तो कहते हैं जैसे कि आप सब जानते हो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया होता है,
जैसे कभी आप भी नए थे, कभी मैं भी नया था, हम लोग काम करते करते कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम लोग बूंद बूंद से कोशिश कर रहे हैं घड़ा भरने की। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल गरीब घरों से लड़के लड़कियों का एक्टर बनना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन काम हो गया। लेकिन अगर इंसान मेहनत करता रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, कहते ना अब से काफ़ी साल पहले राज कपूर साहब ने कहा था कि द शो मस्ट गो ऑन, जद्दोजहद जुस्तजू हमें अपने जीवन में, अपने कार्य में, जिस क्षेत्र में भी हम हैं उसमें करते रहने चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। तो मेरा मानना यह है कि आज माशाल्लाह बाबा न्यूज़ माध्यम के चैनल के माध्यम से और जावेद मीर साहब के माध्यम से हमने देश दुनिया के लिए एक म्यूज़िक वीडियो प्यारा सा बनाया है, उसका पर्दापण हो जाएगा इंशाल्लाह आप सबके सामने। तो उम्मीद करता हूँ देश दुनिया के सभी लोग, काफ़ी लोग इसको सब पसंद करें, और जैसे कि आप सब मुझे दुआएं प्यार आशीर्वाद दुआएं देते हैं उस तरह से आप मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दुआएं दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह, जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह मीर साहब के और हमारे काफ़ी लोगों के सहयोग से, एम मकसूद साहब के सहयोग से सुल्ताना फिल्म माशाल्लाह फ्लोर पे है, कंटिन्यू शूटिंग चालू है। 5 तारीख से हम बॉम्बे फिल्म सिटी में शूट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगले महीने तक फिल्म शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसका पर्दापण आपके सामने करेंगे। और मैं ये बताता हूँ कि हमारे बीच में काफ़ी सारे लोग हैं, कल्याण जी हैं हमारे, सुनील पाल जी हैं, गोयल साहब हैं, इरफान भाई हैं, आलम भाई हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जो इस वक्त हमारे साथ में हैं। मैं सभी दोस्तों का और जहाँ तक भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार दुआएं आशीर्वाद मुझे इसी तरह देते रहें, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मीर साहब ने और हमने काफ़ी पैसे खर्चे किए एक्चुअली, और काफ़ी जगह हमने मतलब इसके लिए, जैसे कि हम लोग दुबई भी चले गए थे, 15 दिन हम लोग दुबई रहे, कल्याण जी के माध्यम से भी हम लोग एक अवार्ड शो भी गए, लोकेशन देखे अपने, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन किसी वजह से हम लोग दुबई में शूट नहीं कर पाए। फिर हमने कोशिश करके इसको मुंबई में बेहतरीन लोकेशनों पे फिल्माया, तो बहुत प्यारा DID का एक जो सिंगिंग कंपटीशन होता है उस कंपटीशन के लड़के आयुष शर्मा ने इसको गाया है, बहुत ही प्यारी सुरीली आवाज़ में है माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको खूब पसंद आएगा। बहुत बहुत नमस्कार, और आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, बड़ा कीमती समय निकाल के सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टैलेंट का जहाँ तक सवाल है तो वो अपने आप नज़र आ जाता है, काफ़ी लोग के साथ उठना बैठना होता है, तो उसमें कमाल ने मुझे हमेशा एक नज़र आया कि ये एक्टर है, आने वाले कल में एक काफ़ी राइज करेगा। और इसी के साथ कमाल के साथ साथ इरफान रजा मेरे साथ में काफ़ी टाइम से हैं, तो सब लोग एक बहुत बड़ी टीम बनती गई और हम लोगों ने काम को शुरू किया। फिर काफ़ी लोगों से मिलना जुलना करते करते डिसाइड किया कि एक अपना खुद का म्यूज़िक कंपनी चालू करते हैं, उसको यूट्यूब पर चालू करेंगे, और उसी के माध्यम से आज हम आपके सामने हैं और काफ़ी चीज़ें करने का प्रोग्राम बना के बैठे हैं। एक नाम बहुत प्यारा है बसेरा, क्योंकि हर इंसान को, पंछी को, जानवर को, सबको जो जो इस धरती पर है सबको बसेरा चाहिए। मेरा ये जो पूरा टीम है, चाहे कमाल हो या हमारे जितने मीर साहब है, जावेद मीर साहब, इन्होंने ये जो बसेरा बनाया है, ये सच्चे कलाकार, अच्छे कलाकार है, उभरते हुए कलाकार है, इनके अंदर जोश है, ताकत है, जोश और मौज तो आजकल मिलना ही मुश्किल हो गया, डाउनलोड करना पड़ता है जोश और मौज, तो ये मिल गया हम सबको। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मैंने कई म्यूजिक वीडियो में गया हूँ, मगर आज इसलिए मेरे लिए बड़ा दिन है कि मेरा लाडला चहीता स्टारों का स्टार सुपर स्टार कमाल खान साहब, कमाल जी इसमें हीरो हैं, जिसका टाइटल है बसेरा, जावेद मीर साहब इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। मैं देखे इतने एल्बम देखे, इतने गाने मैंने सुने, मैंने खुद ने भी 2500 से ज़्यादा गाने किए हुए हैं, तो इनका गाना सुनने के बाद में ऐसा लगा कि जितना प्यारा टाइटल है और जिस हिसाब से लड़का लड़की ने काम किया, कमाल साहब ने जो काम किया है,
और जावेद मीर साहब ने जो इसमें डायरेक्शन दिए बहुत ही कमाल के दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि 2023 का सबसे बड़ा हिट म्यूज़िक होगा ये, और मेरी तो दुआएं हैं, आशीर्वाद है, बाकी मीडिया है जो इसको चलाएंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जब कोई नई चीज़ आती है और नए कलाकार आते हैं तो नए कमाल साहब नए नहीं है, मगर जब भी वो आते हैं तो हमेशा नए नए अवतार में आते रहिए। जो बसेरा में जो आए बहुत ही कमाल लग रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट होगा और इस साल का सबसे बड़ा एल्बम होगा ये।